खबर शामिल करते हैं सराय आलमगीर से। मेन जीटी रोड पर खड़े ट्रक और मोटरवे पुलिस की गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। खौफनाक हादसा मेन जीटी रोड पर पेश आया। हादसा पीछे से तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के बायस पेश आया। रेस्क्यू 1122 ने 2 जख्मियों को THQ सराय आलमगीर जबकि 1 की हालत तश्वीशनाक थी जिसे गुजरात रेफर कर दिया गया। जिब्रान मिर्जा, आलमगीर न्यूज, सराय आलमगीर। मोतरी शहरों की तरह जड़ावाला में भी रात भर से बादलों की गरज चमक से तेज रफ्तार बारिश का सिलसिला जारी जिसकी वजह से सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी जिसकी वजह से लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया। वर्षा करते हैं वजीराबाद से। शहर और गिरदा नवा में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी। हल्की बारिश और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश और सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। सड़कों पर फिसलन के बायस ड्राइवर हजरात को ड्राइविंग करने में मुश्किल का सामना। मोहम्मद कामरान, आलमगीर न्यूज, वजीराबाद। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान सैनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर के चचा इम्तियाज ताजी खोकर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इम्तियाज ताजी खोकर की नमाज जनाजा खोकर हाउस कराल चौक में अदा कर दी गई। हाजी इम्तियाज ताजी खोकर साबिक डिप्टी स्पीकर हाजी नवाज खोकर और हाजी अफजल खोकर के भाई थे। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून मरकजी रहनुमा राजा जफरुल हक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मर्द खान समेत मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हसनैन जेबली, आलमगीर न्यूज, रावलपिंडी। खबर शामिल करते हैं पिंडा दिनहान से। महकमा हाईवे की नाअहली, सरूबा पुल को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। लीला खुशाब रोड सरूबा के करीब बंद खस्ता हाल पुल की वजह से बड़ी गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। समाजी हलकों का कहना है कि महकमा हाईवे की गफलत और नाअहली के बायस मुतबादिल रास्ता भारी ट्रैफिक के लिए बनाया जाना चाहिए जबकि छोटी गाड़ियाँ पुल के ऊपर से आसानी से गुजर जाती है। शदीद सर्दी और बारिश के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किल का सामना है। समाजी हलकों ने वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार, बाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन से मुतालबा करते हुए कहा कि लीला रोड की तामीर फौरी तौर पर शुरू की जाए और लोगों को इस अजियत से निजात दिलाई जाए। राजा बिलाल, आलमगीर न्यूज, जहलम।